जो सदैव ग्वालियर की आवाज को लोकसभा के सदन में हर एक मंत्री के कक्ष में जमीन पर हर जगह उठाते हैं, आदरणीय शेजवलकर साहब ऊर्जा मंत्री तो हैं पर पूर्ण आशीर्वाद और ऊर्जा तो आपका है जो प्रद्युम्न अपने शब्दों के आधार पर आपकी मांग रखता है। आपका सेवक, आपके क्षेत्र का सपूत, आपके घर का लड़का, आपका भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे अनुभवी एवं कुशल जिलाध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी साहब, ग्रामीण जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा जी, हमारे कैबिनेट दर्जे की निगम के अध्यक्ष आदरणीय मुन्नालाल गोयल जी, नगर निगम में सभापति मनोज तोमर जी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हरिपाल जी, हमारे कार्य समिति के सदस्यगण प्रदेश के वेद प्रकाश शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, ओम प्रकाश शेखावत जी, राजकुमार परमार जी, श्रीमती मीना सचान जी, हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एवं पूर्व जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश धाकड़ जी, राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ जी, हमारे रविंद्र रवि जी, मंच पर आसीन हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष एवं पार्षदगण, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद, मेरे क्षेत्र, मेरे समस्त जनता जनार्दन, मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद, आज दिल में उमंग है ये इंटक के मैदान में जब कोई व्यक्ति उपस्थित होता है, इस ऐतिहासिक मैदान में, जिस मैदान में कई सभाएं आयोजित की गई, कई मांगे रखी गई, लेकिन आज ये सभा जो आज बांधी गई है वो मांगों के लिए कम, लेकिन जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा करके ही आज मंच आसीन सभी अतिथिगण आपके समक्ष बैठे हैं। मुझे याद है जब जनसेवा का पद मैंने अपनाया था, पहली बार सांसद के रूप में गुना शिवपुरी क्षेत्र का सौभाग्य मुझे मिला था 2002 में, और जहां आपके समक्ष में मैं आया था उसी समय से जेसी मिल्स का मुद्दा, जिस जेसी मिल्स में हमारे सैकड़ों कार्यरत सेवकों कर्मचारी की मेहनत मजदूरी भविष्य और अतीत जुड़ी हुई थी, वो ज्वलंत मुद्दा हमारे समक्ष रखा गया था, और जो उस समय एक भय का वातावरण, जेसी मिल्स तो बंद हो गई लेकिन जितने हमारे कर्मचारी थे, जितने हमारे श्रमिक थे, उनके मन में ये भय पैदा हुआ था कि एक तरफ तो नौकरी गई लेकिन दूसरे तरफ जिस छत के नीचे हम लोग सालों साल दशकों दशकों रहे, वो छत का छाया तो हमारे ऊपर से न जाए। और मैंने उसी समय आश्वासन दिया था कि जेसी मिल्स के मजदूरों की लड़ाई हम लड़ेंगे, और आज आपके समक्ष बैठते हुए, खड़े होते हुए मुझे खुशी है कि जो वादा हमने उस समय लिया था उस वादा को निभाकर आज 710 जो हमारे कर्मचारी हैं
उनके लिए पट्टों का वितरण का कार्यक्रम की शुरुआत आज की सभा से हो गई। हमारे सारे श्रमिक करीब करीब 10 हेक्टेयर के जमीन में वहां रह रहे थे और हम लोगों का ये दायित्व है कि उन्हें पूर्ण स्थापित हम लोग कर पाए। वो जमीन प्रदेश सरकार की सदैव रही थी तो वापस प्रदेश सरकार को लौटाई गई, लेकिन वो हम लोगों का जो संकल्प था कि उन 710 हमारे कर्मचारी और श्रमिकों को उनका पट्टा, उनका मालिकाना हक दिया जाए, आज इस मंच पर हमारे बुजुर्ग भदौरिया साहब आए थे और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि सिंधिया जी 20 साल पहले इसी गुहार को लेकर प्रद्युम्न सिंह जी के साथ हम आपके समक्ष आए थे और आज हमें खुशी है कि हमारे आंखों में जो एक विश्वास था कि ये संभव हो पाएगा, आज ये मालिकाना हक हमारे हाथों में दिया जा रहा है। इससे बड़ी आशीर्वाद मैं अपनी जिंदगी में नहीं मानता। इस मंच से मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। शेजवलकर जी और हमने कई बार मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था और उन्होंने सदैव कहा कि कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव न्याय करेगी। उस कथन की पुष्टि आज के कार्यक्रम से हो रही है मेरे भाई और बहनों। आज वो वितरण प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि जो वितरण प्रणाली, जो मशाल प्रद्युम्न ने अपने हाथ में लिया था, जिस मशाल की ज्वालामुखी के साथ तेज इन्होंने शेजवलकर साहब को दिलवाई, मुझे दिलवाई, ये विश्वास हम आपको दिलाना चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति का मालिकाना हक देकर ही चैन की सांस हम लेंगे, ये विश्वास हम लोग दिलाएंगे। इसके अतिरिक्त सदैव ये प्रक्रिया तो रहती है कि जब किसी कार्यक्रम में प्रद्युम्न सिंह तोमर जी आमंत्रित करते हैं तब शुरुआत तो होती है कहते हुए कि ये धन्यवाद सभा है या ये पट्टा वितरण सभा है, लेकिन उसमें दो तीन मांगे जरूर कर लेते हैं। मुझे याद है आज जो हम लोग बात कर रहे हैं एलिवेटेड रोड की, जिससे ग्वालियर की फिजा बदलेगी, ये विश्वास आप रख लेना। गली गली में जो खचाखच है, घमासान है ट्रैफिक का, आबादी बढ़ गई हमारे ग्वालियर की और आबादी के साथ हर एक व्यक्ति का स्कूटर है, हर एक व्यक्ति की गाड़ी है, तो ट्रैफिक तो बढ़ेगी पर उसका समाधान निकालना हो। और उपचुनाव के समय में मुझे याद है मंच यही था या कार्यक्रम ग्वालियर विधानसभा का था, रात के 11 बजे सीएम साहब और हम दोनों आए थे यहां और 11 बजे कार्यक्रम मंच पे कान में खुसुर पुसुर कर रहे थे प्रद्युम्न सिंह जी मेरे कि ये आइडिया कैसे लगी आपको। तो मैंने कहा कौन सी आइडिया, अब वो जो स्वर्ण रेखा नाला है सिंधिया जी, उस पर आप और सीएम साहब थोड़ा काम कर लें, उस पर एलिवेटेड रोड बन जाए। तो मैंने प्रद्युम्न सिंह जी मुझे कह रहे थे मैंने सपना में देखा था एलिवेटेड रोड आ जाएगा, आपकी क्या राय। तो मैंने कहा मैं सोचता हूं, तो मैंने सीएम साहब के सामने रखी और उस समय चुनाव का माहौल था तो मैंने कहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे, करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी कि हम करेंगे। लेकिन ये देखो आप 2.5 साल के अंदर जो सपना देखा था प्रद्युम्न सिंह जी ने आपके लिए, हमारे ग्वालियर के लिए, और उसकी बीड़ा शेजवलकर साहब को दी, मुझे दी, नरेंद्र सिंह जी को दी, मुख्यमंत्री जी को दी,
वो सपना आज साकार हो चुका है और 1200 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड ग्वालियर के लिए स्वीकृत हो गया है। 5 करोड़ का नहीं, 50 करोड़ का नहीं, 100 करोड़ का नहीं, 300 करोड़ का नहीं, 500 करोड़ का नहीं, 1180 करोड़ रुपए का 16 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड पूर्ण स्वर्णरेखा नाली। आज जो हम इंदौर की तरफ देखते हैं, भोपाल की तरफ देखते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 4 साल के अंदर पूरा मध्य प्रदेश ग्वालियर की तरफ देखे, हमारा एलिवेटेड रोड तैयार हो जाएगा। पहला भाग का कार्य शुरुआत हो चुकी है। मैं दिल्ली में मंत्रालय देख रहा हूं, लेकिन मेरी आंखें हर हफ्ते फोटोग्राफ आ रही है मेरे पास कि कहां खंबे का फाउंडेशन स्टोन लग रहा है, कहां बुलडोजर के साथ कार्य हो रहा है। अब आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से मेरी आजी अम्मा ने ग्वालियर के लिए कार्य किया, जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी ने ग्वालियर के लिए कार्य किया, जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए और ग्वालियर के लिए मैं कार्य करूंगा। एलिवेटेड रोड बनना है, एयरपोर्ट के पास नया 500 करोड़ रुपए का अति आधुनिक एयरपोर्ट भोपाल और इंदौर से ज्यादा अच्छा एयरपोर्ट बनाकर मैं ग्वालियर के लिए दूंगा, ये विश्वास है। आने वाले महीनों में 500 करोड़ रुपए का नया भव्य रेल स्टेशन का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। ग्वालियर की पानी की प्रोजेक्ट, ग्वालियर का सिविल अस्पताल काया पलटा की नहीं, बोलो मुझे, मुरार का अस्पताल काया पलटा की नहीं, बोलो मुझे, 1000 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, देखा कि नहीं आपने, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है, देखा कि नहीं आपने। तो ये विश्वास रखो आप, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार के एक एक मंत्री, चाहे गडकरी साहब हो, चाहे मैं हूं, चाहे अश्विनी वैष्णव जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, शेजवर जी के नेतृत्व में, प्रदोप सिंह जी के नेतृत्व में, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये पूरा मंच आपके साथ मिलकर इस ग्वालियर की जो आन बान और शान 100 साल पूर्व माधव महाराज के समय में होती थी, जब अति आधुनिक ग्वालियर का निर्माण किया था, वही ग्वालियर की रौनक वापस ला के हम रखें। आज का ये कार्यक्रम जो 132 केवीए का फूलबाग की परियोजना है, ये भी मैं आपको बता दूं, मैं ऊर्जा मंत्री रहा हूं भारत सरकार का, जो कार्यक्रम और योजना प्रद्युम्न सिंह जी लेके आए हैं ग्वालियर में, ये जीआईएस का सबस्टेशन बनने जा रहा है और जीआईएस गैस इंसुलेटेड स्विच गियर का सबस्टेशन है। क्या मतलब है इसका? ये सबस्टेशन वही बनता है जहां घनी आबादी हो, क्योंकि कम जमीन के जगह में सुदृढ़ और मजबूत सबस्टेशन और ऊर्जा का केंद्र, ताकि ज्यादा से ज्यादा आबादी को रोशनी का प्रकाश दिया जाए, वो गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन 112 करोड़ रुपए का शिलान्यास का कार्यक्रम आज इस सभा में किया जाए। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को जाता है, केंद्र मंत्री आर राजकुमार सिंह जी को जाता है, राज्य सरकार के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी को जाता है, जिन्होंने अगर ग्वालियर को उपकेंद्र दिया है, सबस्टेशन दिया है, तो आधुनिक सबस्टेशन नहीं, अति आधुनिक सबस्टेशन आप लोगों को दिलवाया। 1 लाख की आबादी को पूर्ण रूप से इसका लाभ मिलेगा और 20-20 इलाके, फूलबाग से आप शुरुआत करो, फूलबाग से हजीरा, हजीरा से सेवानगर, सेवानगर से तानसेन नगर,
तान से नगर से लोहा मंडी, लोहा मंडी से कांच मील, कांच मील से औद्योगिक क्षेत्र तान से नगर का, तान से नगर से प्रेम नगर, प्रेम नगर से आरपी कॉलोनी, आरपी कॉलोनी से किला गेट, वहां से पड़ाव, फिर शिंदे की छावनी, गांधी नगर, सिटी सेंटर, क्रांति नगर, मानिक विलास कॉलोनी, वसंत विहार, माधव नगर, अनुपम नगर से चेतकपुरी तक पूरे क्षेत्र को इस एक उपकेंद्र से लाभ मिलेगा, यह विश्वास हम आपको दिलाते हैं। और आज जो दूसरी मांग प्रद्युम्न सिंह जी ने की थी कि किला गेट ये ग्वालियर की आन बान शान है, उस किला गेट का रौनक दोबारा लौटाना ये हम सब बैठे हुए मंचासीन सभी सेवकों का है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं पर्यटन के क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि हमारी क्षमताएं बहुत हैं, पर पर्यटक को पहले ग्वालियर में आकर्षित करने के लिए ग्वालियर की नींव हमें बिछानी होगी, और वो नींव एयरपोर्ट के द्वारा, रेलवे स्टेशन के द्वारा, हाईवेज के द्वारा। आज ग्वालियर से हम लोग दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे से चलते चलते आगरा तक तो 8 लेन का हाईवे, और आगरा से आप उतर जाते हो तो दोबारा संकीर्ण रास्ते में 2 लेन का मोरेना तक और ग्वालियर तक, जितना समय ग्वालियर से आगरा लगता है उससे दुगना समय आगरा से ग्वालियर तक लगता है, दिल्ली से आगरा लगता है उसका दुगना समय आगरा से ग्वालियर तक लगता है। नितिन गडकरी साहब से बात करके ये 88 किलोमीटर आगरा से ग्वालियर का नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण 4 लेन 3,000 करोड़ रुपए से हम लोग स्वीकृत करवा रहे हैं, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। अटल एक्सप्रेसवे एक तरफ इटावा, इटावा से भिंड, भिंड से मुरैना होते हुए, सबलगढ़ होते हुए, श्योपुर होते हुए कोटा तक 10,000 करोड़ रुपए की 450 किलोमीटर की अटल एक्सप्रेसवे का भी जल्द से जल्द कार्य शुरू होगा, जो इस क्षेत्र का पूर्ण भाग बदल के रखेगा। पश्चिमी बाईपास ग्वालियर की बनने जा रही है 700 करोड़ रुपए। ग्वालियर से शिवपुरी से गुना से देवास तक 350 किलोमीटर का आगरा बॉम्बे हाईवे, मैंने अपने कार्यकाल में 3,500 करोड़ रुपए के आधार पर बदला था, और ग्वालियर से शिवपुरी जाने के लिए जो 4 घंटे लगते थे, ट्रकों की जाम में हम लोग फंस जाते थे, आज 1.5 घंटे के अंदर शिवपुरी हम लोग पहुंच सकते हैं। तो ग्वालियर की नींव बिछ रही है यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, और जब ये नींव बिछेगी तो पर्यटन की भी शुरुआत होगी। और किला गेट केवल क्यों, ग्वालियर का एक एक संस्कृति का केंद्र, उन सबको हमें बाड़े की तरह जगमगाना होगा। जैसा बाड़ा आज रात को रोशनी के केंद्र में विश्व के कोई भी आधुनिक राजधानी की तरह चमकता है, वैसे मेरे ग्वालियर को हमें और आपको मिलकर चमकाना होगा मेरे भाइयों और बहनों। पर एक निवेदन मैं आपसे करता हूं, क्योंकि मंचासीन से हम लोग बार बार निवेदन करते हैं, हमें ये मिला तो ये और चाहिए, ये मिला तो ये और चाहिए, और आपका हक है निवेदन करने का केवल नहीं लेकिन मांग रखने का। लेकिन क्या आप मानते हो कि हमारा भी हक है आपसे कुछ मांगने के लिए, है क्या? तो आज इस मंच से मैं आपसे एक ही चीज मांग रहा हूं, मांग सकता हूं? अभी सुनाई नहीं दिया, मांग सकता हूं? एक ही चीज मांग रहा हूं, कृपा करके आज के बाद आप सब हमारे ग्वालियर को स्वच्छ ग्वालियर में तब्दील करने के लिए प्रण ले। इंदौर देश के सबसे स्वच्छ नगरी 6 बार बन सकता है, मैं तो ये मानता हूं कि मेरा ग्वालियर देश का सबसे स्वच्छ नगरी बन सकता है। बनाओगे आप मेरे साथ? हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और संकल्प लो मेरे साथ कि आज के बाद
ऊपर ऊपर नए घर में हम अपने पूर्ण स्वच्छता रखाएंगे, हमारे घर के बाहर अगर कहीं भी हमें गंदगी दिखी तो गंदगी को दूर करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। हमारा ग्वालियर स्वच्छ ग्वालियर, हमारा ग्वालियर मध्य प्रदेश का शान, हमारा ग्वालियर देश का शान। जय मेरा ग्वालियर, जय मेरा मध्य प्रदेश, भारत माता की जय।